महिलाओं के लिए करेंगे। पर प्रोफेसर साहब आप एक बात है, चलिए मुद्दा सही है, मेरा कुछ अलग व्यू है, फिल्में बन गई सेक्स एजुकेशन पे, बात होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मैं परिवार में मैं अपनी बेटियों से बात करूंगा जब वो इस उम्र की हो जाएंगी, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए, नीतीश कुमार ये कहते हुए हंस रहे हैं, उनके साथ के मंत्री 3 बार हंसते हैं, मैं फिर से दिखा सकता हूं वो, क्या ये सही है प्रोफेसर साहब बताइए, ठहाका लगा रहे हैं। अरे दीपक जी आप ठहाका लगा कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो पूरा दृश्य को देखने के लिए, वो तो सब लोगों ने देखा है, जो जिसके बोलने का तरीका है, नीतीश जी आज पहली बार तो बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं भाई उस बात पर, इतनी गंभीर बात है तो हंस क्यों रहे हैं, अरे नीतीश कुमार भी हंस रहे हैं, उनके पीछे मंत्री बैठे हुए ठहाके लगा रहे हैं, सुन लीजिए, अरे अरे सुन लीजिए, बहुत गंभीर बातें, बहुत गंभीर बातों को पहुंचाने के लिए बहुत सरल तरीके भी अपनाए जाते हैं, आप क्यों उसको हर बात को निगेटिव क्यों देख रहे हैं, उनके हंसने से भी अब आपको यह समस्या है कि बात में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बोला वो परेशानी है, उससे भी नहीं परेशानी है, उनके पीछे जो भंस रहा है उससे परेशानी है, उससे भी परेशानी नहीं है, आप माफी मांग नहीं रहे इससे परेशानी है, आप पहले तय तो कीजिए दीपक जी कि आपका तर्क क्या है। बहन निवेदिता इसे मैं अनुरोध करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन का जो माहौल चल रहा है आगे बढ़ रहा है वो शिक्षा से आगे बढ़ रहा है, बातें खुलकर समाज में हो रही हैं, आप कहां पे हैं और किस समाज में हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस देश में और इस समाज में माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय प्रोफेसर साहब बिना आपने अभी अपने वक्तव्य में मुझे बहन कहा, माननीय प्रोफेसर साहब आपने अपने वक्तव्य में मुझे बहन कहा, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बहन कहा, तो ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री को, अरे मैं 50% हमारी जो महिला बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है, बहन है, बहू है, तो क्या इस तरह के विषय को सदन में लाकर बोलना जो पर्दे के पीछे कमरे के अंदर होने वाली घटना, आप कहते हैं कि सेक्स के विषय में जानकारी देना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी यादव दोनों से कहना चाहूंगी कि क्या वो गांधी मैदान में खड़े करवा के बच्चों को सेक्स का ज्ञान बांटने का कार्य करेंगे क्या? आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बयान दिया है, आज भरी सभा में जिस तरह से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने का कार्य किया गया था, आज ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने सदन में महिलाओं का चीरहरण किया और पूरे बिहार की महिला को संस्कार करने का काम किया, यह कहने में आपको बहुत कठिनाई है, लेकिन मैं डंके के भी चोट पे कहूंगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज महिलाओं का अपमान सरेआम सदन में किया है, बिहार की जनता और बिहार की हमारी महिला आने वाले समय में इनको सेक्स का ज्ञान देने का बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी, और जितनी भी आज इसकी निंदा की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग अब खराब हो चुका है, उनकी सोच जो थी वो परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है, और सिर्फ सत्ता पर कैसे बने रहे इसके विषय में मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, लेकिन अब बहुत कम समय बच गया मुख्यमंत्री जी का, इनका दीपक का जो दिया का तेल था वो समाप्त हो चुका है, और जब दीपक बुझने वाला होता है तो ज्यादा टिमटिमाता है, वही स्थिति नीतीश कुमार की बन गई है, अब इनका सूर्यास्त का समय हो चुका है और दिमागी हालत भी अब इनकी ठीक नहीं है, इसलिए अब इनको राजकुमार व्यक्तिगत ना हो, ठीक है नीतीश कुमार जी जो भी है जैसे भी है व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो, मेरी रिक्वेस्ट है राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं जोड़ दीजिए राजकुमार जी, आखिरी कमेंट है ये। एक तो बहन निवेदिता जी कह रही है दीपक बुझने वाला, हमारा दीपक चमक रहा और चमकता रहेगा, दीपक आगे बढ़ता रहेगा, दीपक बुझेगा नहीं, दूसरे आपके पूरे शो में अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप, और निवेदिता जी अभी तो दीपक को बीजेपी वाला बता रहे थे आप, गजब है भाटी जी, सॉरी इतने सीरियस विषय में हंसा रहा हूं लोगों को, आपत्ति की आदत होती है, आपने तो आपत्ति की बॉडी लैंग्वेज पे, निवेदिता जी आपत्ति कर रही है प्रजनन दर की बात क्यों करी, प्रजनन क्षमता की, और एक ऐसा आपत्तिजनक शब्द बोल गई निवेदिता जी, अगर बवाल ही करना हो तो इस पर बवाल हो सकता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को सेक्स एजुकेशन देंगी, ये अगर बवाल ही करना हो तो एक एक शब्द पे किया जा सकता है, आपने कैसा ये अभद्र शब्द बोल दिया, अभद्र वाक्य बोल दिया आपने, पहले आप कह रही थी बच्चे मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं, आप सुन लीजिए उनके बात,
दोनों वाक्य आपके शोभनीय है, अभद्र है या नहीं है? आपने आपने अभी कहा मेरी महिलाएं सेक्स एजुकेशन नहीं है, मैंने ये अभद्रता की श्रेणी में आता नहीं आता? जैसे ये अपमानजनक है नहीं है? गलत बता रहे हैं, ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक है नहीं है? बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, मैंने भी वही कहा। रासलीला वो कर रहे हैं, ज्ञान बांटे ये महिलाएं, कुछ भी बोले जाओ ना ना। अब भाटी जी सुन तो लीजिए ना, निवेदिता जी को मत ढूंढिए ना, आपने अपनी बात कह ली, को मुद्दा बना रही है। अरे दीपक जी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, आपके लिए भाटी जी कोई मुद्दा नहीं होगा। अरे आप संवेदनशील होते तो ऐसे अभद्र नीतीश जी को बोलने नहीं गए, आपत्तिजनक वाक्य प्रयोग न करती, अपमानजनक। अगर आप संवेदनशील